नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। लंबे समय से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम रहती है खैर मुझे, लेकिन कोई नहीं, फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमने जाना विद्रोह, यानी कि ये रिवॉल्ट था वो क्यों हुआ, उसके रीजन्स क्या थे। हम उन रीजन्स को जाने, इकोनॉमिकल रीजन्स हमने देखे, सोशल कल्चरल रीजन्स हमने देखे, पॉलिटिकल रीजन्स हमने देखे, हमने सायक संधि वैली जली की पढ़ी, हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स को। उसके बाद हमने जाना कि विद्रोह कब आरंभ हुआ, कब मंगल पांडे विद्रोह में आए, उसके बाद विद्रोह की तारीख क्या थी, और इस तरह से हम विद्रोह को झांसी तक ले आए थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब वीरगति प्राप्त हुई 18 जून 1858 को, वहाँ तक हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे। आज विद्रोह को और आगे लेके चलते हैं, विद्रोह को आगे लेके चलते हैं, आज विद्रोह को लेके चलते हैं बिहार की तरफ। विद्रोह पहुंचा कहाँ, बिहार। बिहार में इस विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र थे, जैसे कि उनका नाम है शाहबाद, पटना, गया। शाहबाद, पटना, गया, ये बिहार में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। जो टारगेट एस्टेट का ग्रुप में हमने बनाया है, उसमें हम इसके क्वेश्चंस को आपको दे चुके हैं, और पीडीएफ आपको पीडीएफ टेक्स के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आप क्वेश्चन से जुड़े रहें, ग्रुप से जुड़े रहें, ग्रुप में क्वेश्चंस को देखें और साथ के साथ नोट्स डेवलप करते चलें। तो प्रमुख केंद्र थे ये आपके पास कौन कौन से, यानी आपके पास मतलब बिहार में शाहबाद, पटना और गया। शाहबाद, पटना और गया इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था पीर अली। यहाँ के प्रमुख नेता, इस विद्रोह के प्रमुख नेता जिनका नाम था, उनका नाम जो थे उनका नाम था पीर अली। पीर अली महोदय मुख्य रूप से कहाँ से थे, पटना से थे, यानी कि पटना में ये विद्रोह को लेकर चल रहे थे, पटना में विद्रोह के नेता के रूप में काम कर रहे थे। और एक व्यक्ति का नाम आता है जो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और एक इकलौते स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, जिनकी मृत्यु स्वतः हुई, अंग्रेजों से पराजित वो नहीं हुए, उन्होंने अंग्रेजों को पराजित भले ही किया लेकिन उनसे कभी हारे नहीं, बाबू कुंवर सिंह। और बाबू कुंवर सिंह बिहार में शाहबाद, शाहबाद जिला है, इस शाहबाद जिले के जगदीशपुर नामक स्थान से थे। शाहबाद जिले के जगदीशपुर से थे कौन, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह एक प्रमुख नेता रहे इस विद्रोह के। पटना और दानापुर में भी विद्रोह हुआ और अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। ये विद्रोह आरंभ हुआ कहां से, पटना, और साथ में एक जगह है दानापुर, पटना और दानापुर, पटना और दानापुर से में विद्रोह आरंभ हुआ बिहार में, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। जब पटना और दानापुर के विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया तो ये विद्रोही पहुंचे जगदीशपुर। ये विद्रोही कहां पहुंच गए, ये विद्रोही आ गए जगदीशपुर। और जगदीशपुर में इन्हें साथ मिला कुंवर सिंह का, और जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किसने किया, जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किया बाबू कुंवर सिंह ने। और जब बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व इन्हें मिला तो ये और ताकतवर हो गए, और ये ताकतवर हो गए सबसे पहले बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से जगदीशपुर को मुक्त करा लिया। सबसे पहले किसको मुक्त करा लिया, सबसे पहले कुंवर सिंह ने शाहबाद जिले के जगदीशपुर को मुक्त कराया। जब जगदीशपुर को मुक्त करा लिया, इसके बाद अतरौलिया को मुक्त कराया। इसके बाद किसको मुक्त कराया, जगदीशपुर के बाद अतरौलिया,
और जो अतरौलिया जो पड़ती है आपकी आजमगढ़ जिले में, शाहबाद को मुक्त किया अतरौलिया में। इन्होंने क्या किया, अतरौलिया में मिलवैन से इनका संघर्ष हो रहा था, मिलवैन के नेतृत्व वाली सेना को इन्होंने पराजित कर दिया। अतरौलिया में क्या किया, मिलवैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। यानी कि जगदीशपुर शाहबाद को मुक्त कराने के बाद अतरौलिया आजमगढ़ पहुंचे, यहां मिलवैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को भी इन्होंने पराजित कर दिया। बाबू कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यहीं पर एक और सेना आई जो सेना थी डैम्स की। यहीं पर एक और सेना किसने भेजी, डैम्स, और डैम्स और मिलवैन की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया। यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर दूसरी घटना क्या घटित हुई, यहीं पर दूसरी घटना घटित हुई। डैम्स की सेना यहां पहुंची, एक और सेना, और सेना का नेता था डैम्स। इस सेना का नेता कौन था, डैम्स था। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ डैम्स और मिलवैन के नेतृत्व वाली यानी दोनों की मिली जुली संयुक्त सेना को बाबू कुंवर सिंह ने पराजित किया। इसके बाद क्या हुआ, डैम्स व मिलवैन की संयुक्त सेना को पराजित किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबू कुंवर सिंह एक अकेले विद्रोही हैं, अकेले विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता हैं जो कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, उल्टा उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और कई बार ही पूछा गया। इसके बाद का घटनाक्रम, अब कैनिन ने मार्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी और कुंवर सिंह ने इसे भी पराजित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कैनिंग कौन थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में सेना भेजी। ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, ये नाम पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैं आपको इतने सारे नाम बता रहा हूँ। मार्क के नेतृत्व वाली सेना भेजी, कुंवर सिंह ने इसे भी पराजित कर दिया, इसे भी पराजित। तो बाबू कुंवर सिंह ने इसे भी पराजित कर दिया। लेकिन ये वो समय था जब बाबू कुंवर सिंह की बाह में गोली लगी, जब बाबू कुंवर सिंह की बाह में गोली लग गई। और बाबू कुंवर सिंह वो नेता थे, वो वीर नेता थे, उन्होंने अपने हाथों से काट कर गंगा माँ को अर्पित कर दिया। इसी समय बाबू कुंवर सिंह को गोली लगी, बाबू कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काट कर गंगा को अर्पित कर दिया। 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में ली ग्रैंड के अधीन अंग्रेज व सिख सेना इसे भी पराजित किया। यानी कि यहाँ तक की बात हुई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी समय इनके हाथ में गोली लग रही है, अपने हाथ को काट कर बाबू कुंवर सिंह गंगा को अर्पित कर देते हैं। बाईस अप्रैल 1858 वो तारीख पुनः पुनः जगदीशपुर में, पुनः जगदीशपुर में ली ग्रैंड, जगदीशपुर में क्या हुआ, ली ग्रैंड
के अधीन अंग्रेजी सेना और साथ में थी सिख सेना। कुंवर सिंह ने इसे ही पराजित किया। कुंवर सिंह साहब ने इसे भी पराजित कर दिया, लेकिन 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह जी की क्या हो गई? मृत्यु। ये मृत्यु नेचुरल डेथ थी, यानी कि उनका वक्त आ गया था। स्वतः जैसे इंसान इस धरती से जाता है, ठीक उसी तरीके से स्वतः इनकी मृत्यु हो गई। अकेले वीर 1857 में जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन अंग्रेजों से कभी नहीं हारे। अकेले वीर जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत बार हराया, लेकिन कभी पराजित नहीं हुए। कई बार हराया लेकिन कभी पराजित नहीं हुए। इसके बाद अमर कुंवर सिंह के भाई ने विद्रोह की कमान संभाली। इसके बाद किसने कमान संभाली? इनके बाद इनके भाई ने विद्रोह की कमान संभाल ली। 1858 दिसंबर में विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। दिसंबर 1858। इनके भाई का नाम था अमर सिंह। इनके भाई जिनका नाम क्या था? अमर सिंह। 1858 को विलियम टेलर और वेशेंट आयर ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। विलियम टेलर और वेशेंट आया। आयर ने विद्रोह को समाप्त, यानी कि बिहार में विद्रोह चला मुख्य रूप से किनके नेतृत्व में? बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। बाबू कुंवर सिंह ने कई बार अंग्रेजी सेना को हराया। कब कब हराया, किस किस गवर्नर, किस किस सेनापति को, अंग्रेजी सेनापति को हराया, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो गई, जो कि नेचुरल डेथ थी। इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह कमान को संभाल लिया, लेकिन दिसंबर 1858 को विलियम टेलर और वेशंट आयर के विद्रोह ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। इनके नेतृत्व वाली सेना ने विद्रोह को समाप्त कर लिया और बिहार को फिर से अंग्रेजी शासन में मिला दिया। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 1857 क्रांति के साथ। जानेंगे इसके बाद विद्रोह कहाँ गया और किस तरीके से चला, कौन विद्रोह के नेता थे, विद्रोह के परिणाम क्या हुए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।